फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइव। आज मैं बनाऊंगी मूली का परांठा। यहाँ पे मैंने मूली को जो है थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक मलमल का कपड़ा ले रही हूँ और मलमल के कपड़े में से हम इसको अच्छे से सारा पानी मैं निकाल दूंगी। इस तरह से आप सारा पानी निकाल लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये जो मूली है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, पानी बिल्कुल निकल चुका है। अब ये पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसी में जो है मैं आटे में आटा गूंथ लूंगी। अच्छे से आटा गूंथ लीजिए। फ्रेंड्स ये मूली जो है इसके ऊपर आप मतलब मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, जिस हिसाब से आपने देखना है स्वाद अनुसार। तो अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक डो ले लिया है, तो यहाँ पर आप इसको बेलते हुए डो थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, इसमें आप मूली स्टफ कर दीजिए। इसको आप यहाँ से उठाते हुए इस तरह से मोमोज जैसे बनते हैं वैसे इस तरह से आप कर दीजिए। और यहाँ पर आप सूखा आटा लगाते हुए इसको डो को अच्छे से बेल लीजिए। रोटी को गोल गोल घुमाते हुए और आराम से आप करेंगे तो आपकी रोटी बीच में से फटेगी नहीं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको बेल लिया है, मैं तवे पे यहाँ पर डाल दिया है। आप इसको आराम से इस तरह से आराम से आप थोड़ा सा घी लगाते हुए आराम से आप बना लीजिए। फ्रेंड देखिए, ये मेरी अच्छे से पक चुकी है चारों तरफ से। इस तरह से देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी बन गई है। तो इस तरह से आप बनाइए। मैं यहाँ पे दूसरा परांठा भी बना रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा यम्मी हो गया है मेरा परांठा। मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेथी बनाया था, आलू मेरे पास खत्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर मेथी भी थोड़ा सा सर्व कर लिया। इस तरह से आप भी बनाइए और अपने खाने को एंजॉय कीजिए। तब तक मेरे चैनल को अपनी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये परांठा कैसे लगा। थैंक यू, एंजॉय।